हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। दिस वीडियो इट इज़ द पार्ट टू ऑफ द चैप्टर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसके पार्ट वन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होता है? इसे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस सिंपली यही स्टेट करता है कि शॉर्ट रन में जब एक फैक्टर फिक्स होता है और दूसरा फैक्टर वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल फैक्टर की प्रोडक्टिविटी पहले तो इंक्रीज होती है, बट सर्टेन लेवल के बाद इट स्टार्ट्स फॉलिंग। एक पॉइंट के बाद वेरिएबल फैक्टर की प्रोडक्टिविटी गिरनी शुरू हो जाती है। अब इसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट? वी विल अंडरस्टैंड दैट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर इट। सपोज हम एक बास्केट बनाने की फैक्ट्री हैं और हम दो इनपुट्स को यूज़ करते हैं, एक लेबर और एक मशीन्स। लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है और मशीन्स हमारे फिक्स फैक्टर हैं। तो जब मैं एक लेबर और एक मशीन को यूज़ कर रही थी, तो उन्होंने मुझे दो बास्केट्स प्रिपेयर कर दी। जब मैंने सेकेंड लेबर को एम्प्लॉय किया, तो उनकी प्रोडक्टिविटी और इनक्रीज हुई और उन्होंने मुझे 5 बास्केट्स प्रिपेयर कर दी। थर्ड लेबर एम्प्लॉय होने पर वो मशीन को और अच्छे से यूज़ कर पाए और ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर पाए, इसलिए उन्होंने मुझे 10 बास्केट्स प्रिपेयर कर दी। जैसे ही मैंने फोर्थ लेबर को एम्प्लॉय किया, तो किसी भी लेबर को मशीन पर ठीक से काम करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी इंक्रीज नहीं हुई और वो मुझे सिर्फ 13 बास्केट्स ही प्रिपेयर कर दे पाए। फिफ्थ लेबर एम्प्लॉय होने पर मशीन पर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा, इसलिए प्रोडक्टिविटी और फॉल हुई और वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 बास्केट्स ही प्रिपेयर कर दे पाए। और सिक्स्थ लेबर एम्प्लॉय होने पर लेबर में आपस में बहुत सारे क्लैशेस हुए और किसी की भी प्रोडक्टिविटी में कोई भी इंक्रीज नहीं आया और वो मुझे 15 बास्केट्स ही प्रिपेयर कर दे पाए। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? जब हम एक फैक्टर को फिक्स रखते हैं और वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते चले जाते हैं, तो फिक्स फैक्टर पर प्रेशर बढ़ता है और इस प्रेशर की वजह से वेरिएबल फैक्टर की प्रोडक्टिविटी फॉल होती है। इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब इसे लिखेंगे कैसे? एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, द प्रेशर ऑन द फिक्स फैक्टर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। दिस कॉजेज द डिस्टर्बेंस इन द रेशियो ऑफ फिक्स एंड द वेरिएबल फैक्टर एंड देयरफॉर द प्रोडक्टिविटी स्टार्ट्स फॉलिंग। हमारे इस एग्जाम्पल में लेबर और मशीन का बेस्ट रेशियो था 1:3, यानी कि एक मशीन पर 3 लेबर काम करने पर हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम थी। उसके बाद हमें और लेबर को एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए था। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स और उनकी शेप्स के बारे में। सबसे पहले आता है टोटल प्रोडक्ट कर्व। हमारा टोटल प्रोडक्ट सबसे पहले तो बढ़ता है बहुत ही तेज़ी से, क्योंकि लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब फिक्स फैक्टर पर प्रेशर बढ़ता है और लेबर की प्रोडक्टिविटी फॉल करती है, तब हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है बहुत ही धीरे से, यानी कि एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसलिए टोटल प्रोडक्ट कर्व बिल्कुल एक एलिफेंट की ट्रंक, यानी कि हाथी की सूंड की तरह दिखता है। नेक्स्ट आता है मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। इनिशियली जब वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी बहुत कम थी, तो हर एडिशनल यूनिट एम्प्लॉय करने पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, इसलिए MP कर्व ऊपर की तरफ जाता है। बट जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, हर एडिशनल यूनिट एम्प्लॉय करने पर प्रोडक्टिविटी फॉल करती है, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व नीचे की तरफ आता है। इसलिए MP कर्व एक इन्वर्स U की शेप में होता है। और लास्ट आता है एवरेज प्रोडक्ट कर्व। अब क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट सारे के सारे मार्जिनल प्रोडक्ट्स का एवरेज ही होता है, इसलिए जब MP कर्व ऊपर जाता है, तो वो AP कर्व को भी अपने साथ ऊपर लेकर जाता है। और जैसे ही MP कर्व फॉल करना शुरू करता है, AP कर्व भी उसके साथ फॉल करना शुरू कर देता है। इसलिए AP कर्व की शेप भी इन्वर्टेड U की शेप में ही होता है। अब हम इन तीनों कर्व्स की स्टडी एक साथ करेंगे। इसे हम कहते हैं 3 stages ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फर्स्ट स्टेज, जब हमारा MP कर्व बढ़ रहा है, यानी कि हर एडिशनल यूनिट एम्प्लॉय करने पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। इस केस में हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट। सेकेंड स्टेज में हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल कर रही है, लेकिन पॉजिटिव है, यानी कि हर एडिशनल यूनिट एम्प्लॉय करने पर हमारी प्रोडक्टिविटी गिर तो रही है, लेकिन 0 से ज़्यादा है। इस केस में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट।
और लास्ट स्टेज होती है जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव है, यानी कि हर एडिशनल यूनिट एम्प्लॉय करने पर प्रोडक्टिविटी जीरो से भी कम है। इस केस में हमारा टोटल प्रोडक्ट कर्व फॉल करना शुरू कर देता है और इसे कहते हैं स्टेज थ्री, यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ये होते हैं थ्री स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ेंगे रिटर्न्स टू स्केल के बारे में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस तब स्टेट करता है जब हमारा एक फैक्टर फिक्स और एक फैक्टर वेरिएबल होता है, यानी कि शॉर्ट रन में, लेकिन रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन में वैलिड होता है जब हमारा कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है, हम कि हर फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आते हैं हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दीज आर वेरी सिंपल। अगर आउटपुट इनपुट से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। अगर मैं एक लेबर एक मशीन यूज़ कर दो बास्केट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो अगर मैंने दो लेबर और दो मशीन्स यूज़ कर मैं 10 बास्केट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो उसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहेंगे, क्योंकि इनपुट डबल करने पर आउटपुट डबल से भी ज़्यादा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि जितना हमने इनपुट इंक्रीज किया है आउटपुट भी एग्जैक्टली उतना ही इंक्रीज हुआ है, तो उसे कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। और लास्ट होते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि जितना हमने इनपुट इंक्रीज किया है आउटपुट उससे कम इंक्रीज हुआ है, तो उसे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। रिटर्न्स टू स्केल का कलेक्टिव ग्राफ कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। इसे हम आइसो क्वांट के तरीके से ही शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस है इंक्रीजिंग रिटर्न्स का, यानी कि हमारा आउटपुट तो डबल हुआ है लेकिन इनपुट डबल से बहुत कम यूज़ हुए हैं, इसलिए इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसमें आइसो क्वांट्स बहुत ही क्लोज होते हैं। सेकेंड होता है कॉन्स्टेंट रिटर्न, यानी कि आउटपुट भी डबल हुआ है और इनपुट भी डबल हुए हैं। इस केस में आइसो क्वांट्स सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट किए जाते हैं। और लास्ट होते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी कि आउटपुट सिर्फ डबल हुआ है लेकिन इनपुट डबल से बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं। इस केस में ग्राफ्स बहुत दूर दूर प्लॉट किए जाते हैं, इसे कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम मी। आई होप दिस टॉपिक इज़ नाउ क्लियर टू यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सून कम विद द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।